दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू रिया एंड जिन्नी शो। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारे ब्लॉग्स को। और सभी ने बोला जल्दी जल्दी से ब्लॉग बनाएं, तो वैसे तो ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको समटाइम्स उनको पता नहीं रहता कि उनका ब्लॉग बन रहा है। तो फिर मेरी जब बड़ी बेटी देखती है तो वो कहती है, अरे मम्मा आपने ये क्यों कैप्चर किया, अरे मम्मा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, हमेशा फ़ोन आपके हाथ में रहता है। और समटाइम्स फ़न भी है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाते समय थोड़ा सा रोल प्ले भी किया जाए, सो दैट उनको मोरल स्टोरी भी मिले, ये सीखने को मिले कि पेरेंट्स बच्चे को कैसे ट्रीट करें। और हो सकता है आप लोग भी मुझे कोई अच्छा सजेशन दे दें और पेरेंट्स भी एक दूसरे को अच्छा सजेशन दे दें कमेंट बॉक्स में। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है कि मेरे बच्चे खेलते हैं, समर वेकेशन से स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन उनके संग क्या है ना कि वो जहाँ पर उन्होंने कुछ खेला तो वहीं पर उन्होंने किताब पढ़ी हुई हैं, खाना खाया तो वहीं पर बर्तन पड़े हुए हैं, कोई टॉयज खेला तो वहीं पे पड़े हुए हैं। अनटिल अनलेस कि मेरे को 10 बार उसे बोलना पड़े, अरे प्लीज़ रख दो, ये जमा दो, तो उन्हें लगता है कि अरे मम्मा का काम है तो मम्मा कर लेंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में क्या होता है। और सबके घर में ऑलमोस्ट यही होता होगा, बहुत ही मुश्किल है बच्चों को डिसिप्लिन में लाना, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगी मेरे बच्चों को डिसिप्लिन में लाना। तो चलो इस ब्लॉग को देखते हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे घर कितना मैसअप हुआ पड़ा है। क्या हो रहा है? आज तो ऑनलाइन क्लास का लास्ट दिन था। समर वेकेशन चालू हो गई, लेकिन असाइनमेंट्स भी आए हुए। जिनी मैं दीदी से बात करने और वीडियो पॉज करोगे? करो करो, वीडियो पॉज करो। हाँ बोलो मैडम, आज लास्ट दिन था। हाँ। हो गई क्लास? अब फ्रीडम मिलेगा मुझे, स्कूल से फ्रीडम मिलेगा। पकाई देते हैं मुझे। हाँ? पका देते होमवर्क दे के, हर हफ्ते 7 सब्जेक्ट के होमवर्क। तो अपना सामान जमा दिया? जमा दिया। लैपटॉप वगैरह बुक्स वगैरह रख दिया? रख तो दिया बैग में, लैपटॉप। हाँ? बैग रख तो दिया लैपटॉप। मेरी बेटी कह रही है कि उसने क्लास की और उसके बाद अपना सारा सामान रख दिया। चलो देखते हैं, अपना रूम होने के बावजूद ही वो क्लास यहाँ लेती है। तो देखो उसमें ये उसका लैपटॉप है, ये बुक है, ये दूसरी बुक है, ये एक बुक है, ये एक बुक है, पेंसिल बॉक्स भी पूरा खुला हुआ। क्या इसमें अलग से मैंने शार्पनिंग बॉक्स रखा हुआ है? तो उसको एम्प्टी नहीं करोगे? करूंगी जब ये पूरा भर जाएगा और 10 तारे तक। तो उसको हैंग क्यों? देख क्यों रही हूँ? मैं देख क्यों रही हूँ? मेरा सीक्रेट बॉक्स है, इसमें पासवर्ड भी है। सीक्रेट बॉक्स है कि गार्बेज बॉक्स है ये? सीक्रेट कम गार्बेज बॉक्स। क्या हालत हो रही है? कौन जमाएगा रिया? मैं पूरा दिन थक जाती हूँ काम कर करके, कौन जमाएगा ये? कौन रखेगा? मैं। हाँ कब? थोड़ी देर में। कब? अभी। कब? अभी। रखो फिर। देखो मेरे घर की हालत देखो आप, ये देखो सुबह से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये मैं जिनी को गिफ्ट देना चाहती हूँ। दिन भर चिड़ियों के साथ बैठे जिनी, देखो इधर जिनी। हाँ समेट रहे हो? हाँ। क्या होगा? नहीं तो सही, ये मूवी के अंदर चला जाएगा।
करो समेटो पूरा। हाँ देखो कर रहे हो क्या? पर मैं तो तुम्हारे लिए दूध बना कर लाई थी। अरे मम्मा, मम्मा नीचे तो कोई जाने नहीं देता क्योंकि कोरोना वायरस है। कॉरिडोर में तो खेलने दो हमें। हाँ अरे डोर तो लगा दो। उफ़ मना करते करते भी पूरा डोर वगैरह सारा ओपन खोल के चले गए हैं। कितना भी बोलो उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। देखते हैं A few minutes later. कब आए तुम लोग? थग लाइफ है ये। हैंड वॉश लेग वॉश किया आप लोगों ने? हाँ इधर सुनो, हैंड वॉश और लेग वॉश किए बाहर से आके? हाँ। इधर देखो, इधर मेरी तब देख के बोलो किए? हाँ। पक्का? हम्म। प्रॉमिस? हाँ। हैंड दिखाओ अपने? नहीं। दिखाओ? छी 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 जिनी छी। और आपने किए रिया? हाँ। आओ दोस्तों मैं जरा आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ इन्होंने क्या किया होगा। ये किसने हल किया है? ये कौन रखेगा? ये कौन रखेगा? ये कौन रखेगा? ये एक मिनट इधर इधर आओ। किसने गिराया ये? जो मुझसे सच बोलेगा बिल्कुल वाला सच। उसको खेलने को मिलेगा लैपटॉप। उसको मैं लैपटॉप दूंगी और मोबाइल भी दूंगी खेलने के लिए। सच बताओ किसने कराया? मैंने कराया। जेनी किसने कराया? मैंने। दोनों ने मिलके कराया था? नहीं पक्का मैंने कराया। नहीं पक्का हम दोनों ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि हमें जल्दी से शूज ले रहे थे और शायद गलती से गिर गया था। आपने सोचा मम्मा कर देगी? नहीं। जमाओ करने क्योंकि हमने जूते टच किए। जिन्नी इधर लिसन, इधर देखो जिन्नी, आज की बात करोगे? वेरी गुड। अभी बच्चे नहा कर आए हैं और उनके कपड़े देखो। इन्हें लगता है कपड़ों को मैं समेटूंगी। थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल तो बनाना पड़ेगा। मेरा यही क्वेश्चन है हर ब्लॉग में, तो आप बच्चों को कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं? अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं इनसे बोलूँगी कि मेरे हाथ में लग चुकी है और मेरी बहुत पेन हो रहा है, सो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो अभी बिकॉज उनके स्नैक्स का टाइम हो रहा है और देखते हैं वो मेरी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं कह के। अभी तो खैर फिलहाल मैं इन कपड़ों के लिए इनको बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रिया जिन्नी इधर आओ, जिन्नी को बुलाओ। जिन्नी आओ, मम्मा बुला रही है। नहा लिए थे आप तो, है ना? और नहा के फिर कपड़े कहाँ हैं? पुराने गंदे वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्यों गिरा यहाँ पे? मेरे को बात करो पहले। क्यों गिरा यहाँ पे नहाने के बाद? क्यों गिराए थे? दीदी ने गिराए थे। हाँ मेरे भी तो कपड़े हैं इसमें। वो टी शर्ट उठाओ रिया, उठाओ उसी टी शर्ट को। मैंने कपड़ों की तह कर दी है।
और अब मैं रिया को बोलूँगी कि रिया अपने रूम में कपड़े रखो, देखते हैं रिया के रिएक्शन। रिया दोबारा चिड़ियों के पास? माँ बच्चे हैं ये मेरे, मैंने आपके कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए अपने अलमारी में, कब रखोगे? इधर देखो, मैं रख देती हूँ। कब? कल तक रख दोगे? कपड़े कब रखोगे? इधर देखो, देखो इधर, कपड़े कब रख दोगे अपने अलमारी में? कब मुझे बता दो। रख दूंगी मम्मा। चलो देखते हैं, 10 मिनट में देखती हूँ मैं। जिन्नी को देखते हैं, जिन्नी क्या कर रही है? टीवी। क्या कर रहे हो? देख रही हूँ। हाँ? क्या कर रहे हो? टीवी देख रही हूँ। मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए आपके, आप रख दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्या नहीं, नहीं? क्यों? अपनी अलमारी में रख दोगे ना दीदी के साथ? देखना है। हाँ? देखना है। थोड़ा सा मम्मा की हेल्प कर दो प्लीज, प्लीज मम्मा की हेल्प, प्लीज 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 प्लीज। करोगे ना काम, है ना? इधर देखो, आप कुछ कर लो। हाँ कुछ कर लो, हमने काम, मैं खुद कर लूँ अपना काम। कपड़े रखने का काम तो आपका है ना अलमारी में, दीदी की हेल्प करना, ठीक है? ब्रेकफास्ट फिनिश करो। क्यों नहीं खा रहे? चिप्स आपको तब मिलेगा जब आप अपना चौकोस फिनिश कर लोगे। चिप्स के लिए दर्द नहीं हो रहा? तो बताओ पूरे दिन में आपने मेरी कितनी हेल्प की? बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। क्या हेल्प की थी? मैंने आपको कपड़े जमाने की बोला, आपने कितना टाइम लिया कपड़े जमाने में? फिर मैंने आपको टॉयज खेलने का बोला, जिन्हें आपने टॉयज भी नहीं जमाए ढंग से। मैं आपसे अच्छा बताओ रिया, मैं आपसे बहुत सारा काम करवाती हूँ क्या? क्या आप घर की सफाइयाँ करते हो, या बर्तन करते हो, या कपड़े करते हो, या कुछ और करते हो? एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्या रिक्वेस्ट है? और जो चीज आप जहाँ से लो वहाँ रख दो। आपने टॉयज खेले, आप टॉयज वहाँ रख दो। आपने अपना खाना खाया, आपने प्लेट सिंक में रख दो। आपने अपने आप जिन्हें इस बात में जिन्हें की बात समटाइम्स और आस्क यू कि आप जिन्हें आपको लिए आपको रखना है। मैंने ये तो पूरा जिंदगी में कुछ नहीं करते, आप करते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी हेल्प करना भी जरूरी है। और फिर सारे फ्रेंड्स आपके देखते हैं आपके ब्लॉग्स को, वो क्या सोचेंगे कि आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते? मान लो सोचो मेरे हाथ में लग गई है, मेरे पैर में लग गई, तो मेरी कौन हेल्प करेगा फिर? और आपको सारा काम करना पड़ गया तो कर लोगे सफाइयाँ, रोटी बना लो, क्या टमाटर आता है? कोई रिवॉर्ड? अच्छा तो रिवॉर्ड मिलेगा तभी काम होगा जिन्हें आप भी? अगर रिवॉर्ड मिलेगा तभी काम, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तभी काम। रिवॉर्ड मिलेगा कि मैं आपको अप्रेस करूंगी, अप्रिसिएशन दूंगी ना, ये कौन सा रिवॉर्ड? यही तो रिवॉर्ड होता है। आगे से प्रॉमिस करो चलो कि आप मम्मा को बिल्कुल नहीं थकाओगे, सारा काम उठना करोगे। प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो, करो करोगे ना? नहीं तो फिर मैं चुपके से आपका एक ब्लॉग बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि प्रॉमिस करने के बाद भी दोस्तों इन्होंने कुछ भी मेरी हेल्प नहीं की और मैं वीडियो बिल्कुल डायरेक्टली अपलोड करता हूँ, फिर क्या होगा? और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो जिसमें इन बच्चों ने प्रॉमिस किया है कि मम्मा की हेल्प करेंगे, प्रॉमिस किया ना, देखते हैं कितने दिन तक इनका प्रॉमिस चलता है। और अगर नहीं चला तो फिर आपको फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा सबको। नहीं नहीं नहीं, ये हेल्प करेंगे, बस छोटी मोटी अपनी हेल्प करो, अपने अपना काम जो भी है अपना काम खुद करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
पास गंदी मत बोलना। हाँ, तो उसके बाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बच्चों को क्या सबक मिलता है या क्या सिखाया जाता है। आपकी कमेंट अगर आपको और रूटीन या ब्लॉग चाहिए तो फिर आप कमेंट करके बताना, जो ज्यादा वोट्स आए उसके लिए हम वही वीडियो बनाएंगे। Bye.